पापा yeah. और कितना टाइम? दो मिनट। ये इसकी हालत देख लो आप। गिव मी टू मिनट्स। तब तक के लिए खा लेते हैं आंवला। या मैंने अभी वो माउथ वॉश किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है मुंह में ऑलरेडी। कुछ नहीं होता बाबू, नहीं कुछ नहीं होता, खा ले। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है इससे। बस ठीक हो, कर दे। See you soon. Guno, quiet. So embarrassing, Chiku. So embarrassing. हाथ मारते अपने नीचे। हाँ। Restless करते हैं। हाँ। मुंगी। Please behave. You are a good boy. Hi. Oh my God! Please, इतना देखना। ये देखो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हैप्पी संडे। वॉक कर रहे हैं दोस्तों, करती धूप में। आज हमारा संडे का स्लो स्टार्ट हुआ है क्योंकि हम लेट उठे हैं। ऑब्वियसली इतनी रात को पार्टी करके कौन उठ सकता है जल्दी। सोए 12:30 बजे सोए, 12 बजे उठे हैं। 7 घंटे की नींद तो मैंडेटरी है। अच्छा लग रहा है धूप में आ गया है ना। ये देखो, आज सोचा है यहाँ पे ट्राई कर ले। मेरी बीवी का शौक पूरा हो गया है। हमें एग्जैक्टली 1.5 मिनट हुआ है। चिकू ने आस पास वालों को इतना भोग दिया, हम घर ही जा रहे हैं। हम यहाँ बाहर बैठने के लायक हो नहीं पा रहे। ट्रीट्स का पैकेट खत्म होने पे आ गया ऑलमोस्ट। और कीरत क्वाइट क्वाइट करती रहेगी। और चिकू हम बैठे हैं चलो। बाबू आसपास लोग भी खाना खा रहे हैं, उनका भी दिन खराब हो रहा है। चलो घर चले। What are you feeling? I'm feeling so disappointed from Chico. पकड़ इसे। चल। कीरत को लगता था जैसे वो मूवीज में नहीं आते हैं, आपका ऐसे फ्रेंच डॉग बैठा हुआ है, मैं क्रोसॉन खा रही हूँ, मफिन्स, वो भौंक ही जा रहा है। वैसे तो भी सबके साथ करेगा। काटा मेरे को लफ्जों में। सारे तेरे को देख के कितना खुश होते दीकू। वो जो चाइनीज लेडी जा रहे थे, वो जो ओल्ड से थे, हाँ उन्होंने चीकू को देखे, कैसी लगती है? कैसी? दैट लिटिल डेविल।
That little devil? मतलब उसने ऐसी लुक दी कि इसको हुआ क्या? यार मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं कौन सा भूख रहा हूँ? नहीं नहीं आंटी आप ठीक थे। हमारा ही लड़का बस क्या बताएं? शांत स्वभाव का हैप्पी को कभी दिन में नहीं एक बार भौंकता हमारे घर पे। बस कोई आ जाना हमारे सरसरी छिड़ जाती है इसको। बाहर जाना भी है, मस्तियां भी मारनी है, भौंकी भी करनी है। मैडम क्या बन रहा है? कौन से गोभी? गोभी 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 के परांठे। कैसा है? बहुत टेस्टी गाइस। कीरत ने ये बनाई है चिकू के लिए, छोटू सी। तूने मेरे एक ही बनाई है? हाँ, तूने तो कहा मेरे को एक ही चाहिए। फिर स्वाद फिर मेरे मन करके दो खाने का। एक और है, मैंने इतनी तो खाई नहीं। डेढ़ खा ले, आधी खा ले, मेरे से इतनी खाई नहीं जाएगी। मतलब ही नहीं बता जरा। अच्छा मुझे लगा तू आधी खाएगी, एक्स्ट्रा वाली दे रही है। अरे एक्स्ट्रा वाली दे रही हूँ, अपना पेट काट के मुझे ही दे रही है। चाय का टाइम आ गया है। बड़ी सेक्सी चाय बनाई है मैंने आज। इतने कॉन्फिडेंट से बता रहा हूँ, बड़ी सेक्सी चाय बनाई है मैं, मतलब बिना टेस्ट करी। रात के 8 बज गए हैं, मीटिंग शीटिंग चल रही थी फियांशु के नेक्स्ट वेंचर के रिलेटेड, सारी मीटिंग वगैरह और काफी कुछ प्लान कर लिया। यस ये मत खाई हुई है, मेरे में हॉट सॉस है। दूसरा बट मेरे नेक्स्ट वेंचर की डिस्कशन चल रही थी, बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी क्या होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। कीरत और मैं अपनी पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट वेंचर के लिए कि क्या कीरत इन्वेस्टर बनना चाहेगी। सो कीरत इज इंटरेस्टेड, आई एम हाईली इंटरेस्टेड। लेट्स सी रिटर्न की बातें चल रही है, कितना हम रिटर्न करेंगे क्या है। और बाद में कीरत को रियलाइज हुआ कि मैं इन्वेस्टर क्यों बन रही हूँ, क्योंकि बाकी जो फैंसी का पैसा वो भी मेरे ही है। मेरे प्लान है तो बताऊंगा, स्टे ट्यून्ड। और नूडल्स बना ली थे हमने, वो खाएंगे। मोनोडील खेलेगी? यस प्लीज। साथ में मैं अपने लैपटॉप पे भी लगी हुई हूँ, टुकुर टुकुर काम करेगा। और कीरत गाइस टैक्सीज अभी तक नहीं किए, सोच लो थोड़ा दूर होना पड़ेगा तेरे को। क्या बोलती है? मैं कह रहा थोड़ा दूर होना, पत्ते खेल रहे कह रहे आई कांट गो फार। बस तो पड़ी 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 लास्ट मैच जीता था ना? हुआ मैं जीती थी। नहीं तू से पहले की दो जीती थी, लास्ट मैच जीता था। मैं कहना चाहूंगा नहीं चलो, नहीं पहली होगी, एक बारी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। तो पड़ 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 एंड मैं ये चल रहा हूँ। कहीं चले आप? कहीं चले, कहीं चले, कहीं चले। दोस्तों बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड है यार, इतनी प्लानिंग कर रही है। अब बस अब एक्चुअली ये जो अभी ये वाला स्टेप है ना, वो थोड़ा मॉनेटरी वाइज भी, मनी इज थोड़ी ज्यादा इन्वॉल्व, तो ये सोच रहे हैं। इट्स अबाउट ऑफिस, नथिंग एल्स। वही है कि कैसे करना चाहिए, अभी कितने स्केल तक करना चाहिए, सो वो सारी चीजें हम ड्रॉ डाउन करके देख रहे हैं। बारी खत्म हो गई तेरी? पड़ी है? आओ ना ना उठाओ मेरे। दो तीन हो गई है, खत्म। ये क्या दिन है? रिजर्वेशन डिसन दिस। चल बे एक बार दे दिया, दे दिया रोंदू। शूट मैन कीरत जी भी ना नॉटी हरकत कर देती कभी। भाई ये कितने लोग मुझे फोटो भेजते कि वो मोनोडील खेलना शुरू कर दिया। सच्ची मैं सोचा वैंकूवर में मोनोडील कंपटीशन। और बताओ मोनोडील खेलना चाहोगे? खेलते हो मोनोडील? किट से लाना, चद्दर बिछा के मोनोडील खेलेंगे सारे। जीतने वाले को गोल्ड लेवल मिलेगी घर लेके जाने के लिए। बड़ी स्वाद नूडल्स है। तूने डिस्कवर किया वैसे तो? कॉस्को में बना बनाया पैकेट मिलता है सर, माइक्रोवेव में गर्म करने हैं, सुपर अनहेल्दी। खाना बनाने का दिल नहीं करा। इतना कैश का क्या करोगी चंद्रमुखी? जब अच्छी मम्मा आएंगे रूटीन थोड़ी बढ़िया होगी। तो सुबह 5 बजे उठती है, इससे बेटर क्या रूटीन चाहिए इधर को खाने की? नहीं वैसे भी ठीक है यार, ना देना खाने का मेरे बच्चे, आज इसको पूरी भूख लगी है, कल भूखा रहा है पूरा दिन। फिनिश, गुड बॉय। तेरी तू जीतने वाला टी चला दी इसने। ये दे रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। क्या बोल रहे जस्सेनो है? हाँ है, वैसे मुझे पता तेरे पास भी है जस्सेनो, चला दे कोई बात नहीं। बारी खत्म हो गई तेरी। जब भी ओवर प्लानिंग की आ रही है ये गेम, तो मेरे को जीतने की, पता क्यों? रियल एस्टेट में भाई का हाथ थोड़ा साफ है। हर गेम में जिसमें हारती है कहती मैं भी जीतने वाली थी। जीती दो गेम बैक टू बैक तू? हाँ, फर्स्ट टू जीता था। कौन सी फर्स्ट टू जीता था? जो सुबह बाबू उसके बाद तो ब्रेक आ गया। अब की बात करें दो गेम्स की, कॉफी बनाना, चाय बनाना, अब खेलना नहीं कुकु को। एक तो ये मुझे अपनी टीम में नहीं ले रहा बाबू, बाय रिसोरोंदू। कौन सी टीम में नहीं ले रहा?
यू आर नॉट अ लाइसेंस रियल्टर, आई कांट टेक यू इन माय टीम. हर जो बिजनेस फिशी करे कुको को साथ आना है. स्माइली क्या बात की मार रही है? क्या सोच रहा है? आई डोंट नीड इन्वेस्टमेंट, डोंट वरी. नहीं चाहिए मुझे इन्वेस्टमेंट. सेविंग में रख के क्या करवाना? पापा दी हेल्प कर देने पा दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल. पापा चांदे तो नहीं है मेरी हेल्प पैसे. तेरी हेल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में. आई लव यू सो मच. पापा मेरी हेल्प नहीं लेना चाहते. हाथ पापा डजंट वांट माय हेल्प. चीका बाहर निकलना चाह रहे, कह रहे छोड़ो मम्मी. वो देख की तू उसको जबरदस्ती पकड़ा, छोड़ दो उसको. तू भी छोड़ दे बाबा. मैंने कौन सा छोड़ दिया? मेरा कुछ नहीं करने का मन कर रहा. बाबू टैक्स कर ले, सच में बता रहा हूँ. चाय कॉफी बना दे वो हार्ड वाली. चले गाड़ी लेने. एक काम मैंने को फैंसी ने दिया था, कहता 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, 1 घंटा हो गया उसको करते करते. तो बाबू पूरे दिन में वही काम किया ना पूरा. अगर ये गाना नहीं सुना Can I get steep tea, double milk, double sugar? Small medium. Medium. Sugar करनी नहीं ना चाहिए थी मुझे. कभी कभी के लिए चलता है. I am obsessed with this song. और मुझे इस गाने का मतलब नहीं पता. तब से मैंने मूवी देखी है चमकीला की, तो तब से थोड़ा. ये वैसे कुलदीप मानक एंड अमरजोत का गाना है. ऐसा तो लग रहा है मूवी में चल रहा था गाना. नहीं मूवी में ये गाना. मूवी के गाए वो गाने कम ही समझ में आए, बट मैंने जब सबटाइटल पढ़े तो मैंने कहा इतने नॉटी गाने, इन्ने नॉटी, इन्ने नॉटी. गाइस पहले तो मुझे लगा कि मैं गलत समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि जो सबटाइटल है मैंने कहा ऐसे गाने तो नहीं गाए होंगे उस जमाने में. 1970s की बात कर रहे हो? 1977 में शुरू हो गया था. तो हम लोग आज की डेट में कहते हैं यार ब्लू आईज लोग कहते हैं कि भाई गलत गाना. भाई 1970s की बात हो रही है, क्या ही गाने चल रहे थे और लोग कह रहे यही गाना चाहिए. गुल हेठ ला दंदा दे विच चप के नी चाचू नो जे हुंदा मारता पट्टे जान गए नी सारे सिंह दे कुमार पट्टे जान गए नी सारे. हम परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग कर रहे हैं. आगे मेरा राग थोड़ी चाय पियो. तेरे चिट्टियां दंदा दो हंसने ले गया मेरी जिंदगी. पता है ना कि तेरे वाइट दांतों का हासा मेरा दिल ले गया निकाल के. मुझे गाना तो बिल्कुल नहीं समझ. मेरे चिट्टियां दादा हासा ले गया मेरा दिल कट के. कितना बढ़िया बीट्स है यार, ये तो लग रहा है शादी शुदी में चल रहा गाना शुरू है. ऐसी होते किलर सॉन्ग है चमकीला और कुलदीप मानक के सॉन्ग ऐसे ही होते. कुलदीप मानक तो मैंने सुना ही नहीं, रात दिन निकला है मैं सच बता रहा हूँ. अब से हमने डिसाइड किया नेवर पार्टिंग ऑन सैटरडे, ओनली ऑन फ्राइडे. संडे ऐसे गायब हुआ कोई नहीं. कॉफी ले ली थी 2 घूंट, मैं भी पी लेता. मेरे को कल तेरी इतनी याद आई, इतनी याद आई. कल वहाँ थे हम सत्संग पे थे. हाँ. तो सारे डांस कर रहे थे, तो एक बड़े ही क्यूट से सरदार जी, ठीक है काफी एजेड, शूट कर रहे सबको. हाँ. लगे मतलब इतनी शिद्दत से उन्होंने 5-6 मिनट शूट किया ना सबको. मुझे तेरी इतनी याद आई. उससे मेरी क्या याद आई? फिर उनके पास गया मैं, अंकल ऑफ है आपका फोन, ऑन कर लो. सच में ऑफ सीखा जी. मैं के बटन दबाओ ऊपर आएगा नंबर. ये देखो जिम दिखाया. हाँ, हाँ, बहुत बार दिखा चुका हूँ. वो हर बार मुझे दिखाता कि मैं ना यहाँ पे आता था, क्योंकि मेरा शोल्डर ठीक किया. नॉट में यहाँ पे आता था, शोल्डर ठीक किया है. ये जिम बड़ा प्राइवेट जिम है, 24 आवर्स. मैंने भी काटी हुई है वहाँ पे. एक बार ही लेके गया था तुझे. हाँ, तो याद रहेगा. वैल्यू जाके भी याद रहेगा. हस्बैंड की वैल्यू नहीं करती. कैसे एज होती है ना. मैं कह रही कल जस्सू से बात कर रहा, जस्सू के पास PS5 है. तो कहता ब्रो अब PS5 तो है बट अब टाइम नहीं है खेलने का. मैं जस्सू को मैं कहा हाँ यार बचपन में जब टाइम होता था तब पैसे नहीं थे खरीदने के. अभी हम कहीं भी गेड़ी के लिए जा सकते हैं, ठीक है लिटरली बता रहा हूँ. 10 मिनट बाद वापस गाड़ी मोड़ लेके घर भी जाना है, सोना है, कल सुबह 5 बजे उठ रहे हैं. ऑटोमेटिकली आया है ना, कीरत ने मुझे बोला ना, मैंने कीरत को बोला हम वापस गाड़ी मोड़ गए. मुझे पता कि हाँ जाना ही पड़ना है, वरना तो बंदा ऐसे कहता है भाई पहले चाय खत्म होने दे फिर जाएंगे. वक्त कैसे होता है. तो मैं इतना कहना चाहता हूँ जितने भी छोटे बच्चे हमारा व्लॉग्स देखते हैं, ठीक है, और अगर तुम्हारे दिल में आए कि यार एक बार कॉलेज पहुंच जाओ लाइफ बहुत फन हो जाएगी, कॉलेज से निकल जाओ तो लाइफ फन हो जाएगी, जो तुम अभी स्कूल में जी रहे हो वही सबसे सेक्सी टाइम है, ये बेस्ट टाइम है, जी लो इसको. अरे भाई ये बहुत बढ़िया टाइम है, आगे आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बढ़नी है. अभी भी अगर निकला है इतना सा टाइम भी अगर हमारे पास. हाँ, जिनके बच्चे आएंगे वो कहेंगे हाँ, भाई तुम शुक्र मनाओ तुम हाँ, निकले हो. तो आपका जो भी आने वाला टाइम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी. तो जो आज है उसी को एंजॉय करो. टेस्ला क्यों रेसे लगा रही है? क्यों लोगों को लगेगा कि मैं तेज चला रहा हूँ? टेस्ला खुद ही लेके गई है. मतलब क्या है जो तू हसी नहीं खब्बे खड़ के. पीछे मैं भी दोबारा से सुन. तभी पहले तो के बुल दंद बुल्लां दे विच हेठला बुल्लां दे विच फसा के ऐसे 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 एक्सप्रेशन हो कैसे ते.
नॉची तू मेरा दिल लेगी निकाल के, तूने ये एक्सप्रेशन दिया मेरा दिल लेगी, ठीक है आगे और ये नहीं समझ में आया, तू हंसी नहीं तू खब्बे या क्या मासी ने अगर ये देख ली वीडियो तो तेरे राप्ट है यार राप्ट है कहीं मेरे को, मैं तो सिद्धू मूसे वाले का ट्रांसलेशन भी गुरप्यार से करवाती थी, इसका की मतलब बने यार एंजॉय तो बहुत कर रही है पकड़ा तो मुझे गुरप्यार बताती थी गुजरात से उनकी तो जान निकली हुई सुनिए फिर क्या कह रहे हो सिटी पंजाबी पीपल कांट अंडरस्टैंड खुला रखूंगी चबारा समझ में आया कि मैं खुला रखूंगी चबारा तेरे लिए चबारा क्या उसका कमरा होएगा गंदे गाने गाइस नॉटी The future is bright.